महिला सफाई कर्मचारी किरण देवी का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत। आपको बता दें, जनपद अमरोहा में उत्कर्ष कार्य करने वाले दो ग्राम प्रधान एक सफाई कर्मचारी को 26 जनवरी के पर्व पर दिल्ली में सम्मानित किया गया था। इस दौरान नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड पर अतिथि बनी स्वच्छता दूत सफाई कर्मचारी किरण देवी का अमरोहा वापस आने पर आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जोया विकास खंड में स्वच्छता दूत किरण देवी चांदनगर की निवासी हैं और रिजकपुर में सफाई कर्मचारी हैं। इस मौके पर किरण देवी ने परेड पर अतिथियों को बेहद रोमांचकारी बताया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने जो सम्मान दिया है वह अविस्मरणीय है। इस दौरान इस अवसर पर जिला पंचायत राज अधिकारी पारुल सिसोदिया ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। देखिए इस वीडियो में। ऐसी सफाई कर्मी थी जिनको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का शासन द्वारा निमंत्रण प्राप्त हुआ और ये चूंकि अपना काम हमेशा समय से और ईमानदारी से करती हैं, तो इसी के क्रम में चूंकि 26 जनवरी की परेड में शामिल होने का सुअवसर बहुत ही विरले लोगों को प्राप्त होता है, जनपद से ये अवसर इन्हें प्राप्त हुआ, तो इसके क्रम में सभी सफाई कर्मचारी संघ के द्वारा और रेडियो पंचायत द्वारा इनके सम्मान का एक कार्यक्रम ब्लॉक सभागार में रखा गया था, जिसमें मैंने तो कर्मचारियों की समस्याओं से संबंधित वार्तालाप किया और किरण देवी को सम्मानित किया गया और रेडियो पंचायत अमरोहा और रेडियो पंचायत जोया के द्वारा भी कर्मचारियों को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा सभी के लिए। सभी ब्लॉक जोया के सभी कर्मचारियों को, रेडियो साहब को, रेडियो अमरोहा को, रेडियो मैडम सभी को धन्यवाद। ऑडियो ड्यूटी की थी सुबह के 4 बजे से उठ कर, मैं मेहनत से करती थी, मुझे बहुत रुचि और बहुत लगन रहती थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं क्यों जाऊं अपनी ड्यूटी पर, मैं मेहनत नहीं करना चाहती। और सुबह के 4 बजे से यही दिन थे सर्दियों के, और मैंने कभी सर्दियाँ नहीं सोची, नहीं मैंने गर्मी सोची, भूखी प्यासी में निकल जाती थी। और सुबह के 4 बजे से मैं लेडीज सोखूँ जेंट्स सोखूँ मैं सोचने नहीं रोकती थी, उन्हें समझाती थी कि बाहर खुले में सोच करने मत जाओ, घर घर शौचालय के लिए मैं भेजती थी। और लोग मुझे कहते थे आप कौन क्यों रोकती हो और आप कौन होती रोकने वाली, मैं फिर भी बुरा नहीं मानती थी, फिर भी मैं रोकती थी उनको। वो घर में ही जाने लगे, मैंने घर घर जाके शौचालय देखे और मैंने समझाया और घर में शौच जाने लगे वो। फिर गीला कचरा एक तरफ, सूखा कचरा एक तरफ करने के लिए मेरी गाड़ी आती, वो ले जाती थी। फिर मेरी ऑडियो में जो राज मेरे नया पंचायत जो रजकपुर है, नया पंचायत मेरा गाँव जो है नया पंचायत रजकपुर, वो ऑडियो में आ रखा है। अब ऑडियो में जो आ रखा है तो फिर मेरा नाम नरेंद्र मोदी तक पहुंचा। नरेंद्र मोदी जी ने मेरा नकलो पहुंचा ना मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने फिर कहा कि भी मेरा नाम आया आगे से नरेंद्र मोदी जी से और नकलो से डीएम जी के यहाँ, डीपीआरओ जी के यहाँ, जोया ब्लॉक के यहाँ, फिर उन्होंने मुझे चुना नरेंद्र मोदी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने चुना। फिर मुझे प्रेयर में लिए शामिल किया गया। फिर मेरे 1.5-2 महीने तक मेरे कागज आते रहे। फिर मुझे 26 जनवरी में प्रेयर में बुलाया, मुझे नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित किया, मैंने भाषण भी दिए और राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी जी ने मेरे साथ डिनर भी किया। फिर मुझे यहाँ डीपीआरओ साहब ने, एडीओ साहब ने और जितने भी अन्य नेता हैं, बीडीओ सीडीओ सब, डीपीआरओ मैडम सब ने, इन्होंने मुझे यहाँ मेरा मान सम्मानित करने के लिए मुझे ब्लॉक में बुलाया गया। मेरा मिला है जिला पंचायत जिला अध्यक्ष के लिए, तो उसमें ये रहेंगी जो मेरे कोई सफाई कर्मी को कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी आएगी, ये कोई सस्पेंड है, ये कोई परेशानी है, कोई अधिकारी दुखी कर रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, वो मुझे सुनना होगा।